हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। फाइनली आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है वीओएम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एप्लीकेशन है उसमें आप लोग अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगाएंगे। तो फिंगरप्रिंट फाइनली मैं आपको लाइव प्रूफ लगा के दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टैप टू यूज फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट अभी तक नहीं लगाया है। चलिए आपको दिखाते हैं फिंगरप्रिंट कैसे लगाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट नहीं लगा, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब चलिए मैं अपना यहाँ पे पिन डाल के इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद परमिशन मांगेगा लोकेशन की, तो इसको परमिशन दे दीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर पिन के द्वारा लॉगिन किया है। इस तरीके से आपको भी अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेना है। और चलिए आपको दिखाते हैं फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, फिर इसके बाद फिंगरप्रिंट के द्वारा भी दोस्तों लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। सब कुछ लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अलाउ है फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे दिख जाता है। कुछ लोगों के फ़ोन में ये नहीं दिखेगा क्योंकि मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ। अगर दिख जाता तो यहीं पर क्लिक करके आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने काफ़ी जो यूज़ किया है एप्लीकेशन को, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। आप लोग वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए, आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए, आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देख सकते हैं एक प्रोफाइल दिख रही है जहाँ पे आपका नाम होगा, और सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद फाइनली आप लोगों को सेटिंग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेटिंग नाम से ऑप्शन है, सेटिंग पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोग ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही ऑन करेंगे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, आप अपना फिंगरप्रिंट लगा दीजिएगा। आप अपना फिंगरप्रिंट जैसे ही लगा देंगे, इसके बाद अभी यहां पे देख सकते हैं योर फिंगरप्रिंट एक्टिवेशन हैज बीन सक्सेसफुल। अब यहां पे ओके हम कर देते, अब हमारा फिंगरप्रिंट लग चुका है। अब एक बार इसको हम हटा के फिर से आपको लॉगिन करके दिखा दे रहे हैं फिंगरप्रिंट के द्वारा। आप लोग दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं, टैप टू यूज यहां पे फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहां पर अपना फिंगर लगा देंगे। आपका फिंगरप्रिंट रियर है या बैक है, जहां भी हो आप अपना फिंगर लगा दीजिए। इसके बाद ये देखिए अब यहां पर प्लीज वेट दिखा रहा है। अभी ये हमारा जो लॉगिन हो जाएगा अभी आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा लाइव प्रूफ। यहाँ आप देख सकते हैं प्लीज वेट ऑप्शन दिखा रहा है। आप लोग वीडियो को एंड तक दोस्तों बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिए। यहाँ फाइनली देख सकते हैं इस तरीके से लॉगिन हो जाता है।